ओह भाई ये चेक करो, करंट बीस ऑफिस वर्ड, ये चेक करो मिस्टर चिन्हा वैली। एक सिंपल ये कर सकते हो, ये ठीक है, ये अभी हाल में कहा कि रिसेंटली जो चिनाब वाली का कंपटीशन हुआ था तो अल्लाह के फजल करम से मैं उसमें विनर रहा। इसमें ये वाली ये सबसे तगड़ी है, मैं सबका लूंगा। ये चेक करो यार, ये चेक करो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे अपने अपने घरों पे। तो अभी जो है आज फ्राइडे था तो अभी नमाज वगैरह पढ़ ली है। अभी जो है टाइम लगभग 3 बजने वाले हो गए, तो थंबनेल और टाइटल आपने देखा ही होगा, मतलब आज कोई मोटो व्लॉग होने वाला नहीं है। मोटो व्लॉग भी होगा बट उतनी खास राइड नहीं होगी। तो मैंने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है, तो आज हम जिम में वीडियो बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे और मोटो व्लॉग भी करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है, मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो फाइनली गाइस, अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और ऊपर से धूप देखो कितनी है। अभी जो मैंने फुल स्लीव्स वाली शर्ट लगा ली है तो अभी जो है धूप ख़तरनाक हो रही है, और ट्राउज़र वगैरह भी लगा दिया है। तो फिलहाल जो है अभी मैं घर से निकला हुआ हूँ, तो अभी जाता हूँ मैं सीधा जिम के लिए। मतलब मैंने कोई बैग वगैरह कैरी नहीं किया, उतने दिन भी नहीं हुए मेरे को जाते हुए। तो अभी बिगनर ही हूँ, मतलब पहले जाता था बट अब जो है मैंने फिर से ज्वाइन किया है, बट अब जो है कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल अपने बाइक को कर दिया मैंने बंद, तो अभी टाइम लगभग 3:30 होने वाले हो गए, तो 4:30 तक जिम, उसके बाद ट्यूशन्स जाते हैं। तो देखते हैं अभी कौन कौन मिलता है, किससे किससे मिलेंगे हम आगे जिम में, तो सब कुछ दिखाएंगे आपको। किस जिम जा रहा हूँ मैं वो भी दिख जाएगा आपको। तो आज जो है कैमरे के माउंट्स मैंने फिर से एडजस्ट किए, मतलब थोड़े एक्स्ट्रा माउंट्स लगाए हुए हैं, तो एंगल वगैरह में कोई प्रॉब्लम आने वाली तो नहीं है, यह तो अच्छी बात है, मेरे को माउंट मिल गए। अभी जो है मैं जिम के थोड़ा ही दूर हूँ, आपको पता लग ही गया होगा कि जिम जा रहा हूँ। अभी मेरे को एक फ्रेंड को पिक करने जाना है मालीपेट साइड, तो पहले उसको पिक करते हैं, उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट जिम। तो अभी हाईवे से ही जाते हैं, और धूप जो है आज एक नंबर हो रही है, बट वो पुरानी वाली धूप जो है चले गई जो इंसान को जला देती थी, आज जो है नॉर्मल वाली धूप है। मतलब इस धूप में इंसान रह सकता है मज़े से, जब से मैंने इसका काम कराया है तब से मैंने एक व्लॉग नहीं शूट किया है। तो आज जब मेरे को टाइम मिला है, तो आज फ्राइडे भी था, मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेते हैं और जिम भी कर लेंगे, मज़ा आएगा। तो अभी मैं पिक करता हूँ अपने फ्रेंड को, उसके बाद निकलते हैं डायरेक्ट हम। तो फाइनली गाइस, अभी जो हम जिम के बाहर पहुँच चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं हम पर्ल्स जिम। आप सभी को तो पता लग ही गया होगा पहले ही। फिलहाल जो है अपनी बाइक लगाते हैं साइड पर, तो निकलते हैं डायरेक्ट नीचे, तो देखते हैं क्या सीन रहता है, ये चेक करो। अगर आना है किसी को तो यहाँ से आ सकते हो। तो फाइनली गाइस, अभी जो मैं जिम में एंटर हो ही रहा हूँ, तो ये चेक करो यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, मेरे को नहीं पता क्या है। तो स्टार्टिंग में हमें उमेर भाई मिल गए, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, और मुफेज, तो खालिद भाई भी उतरी है, सबसे स्पेशल हमारे जिम ट्रेनर वसीम भाई, हमारे व्लॉग शूट हो रहा है। तो अभी वर्कआउट स्टार्ट है, यहाँ पर भी लगे हुए हैं सारे। इस तरफ से नया, मतलब जो ओल्ड जिम था वो इसी तरफ से था, यही वाला पोर्शन जो पहले था जिम में, अब जो ये एड ऑन हुआ है दोबारा से रिकवर होके, इस साइड वाला पोर्शन जो है पूरा नया बना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आगे। तो अभी यहाँ पर अब सारे दोस्त जुड़ चुके हैं, और हमारे उमेर भाई जिन्होंने रिसेंटली टाइटल भी लिया है चिनाब वैली का कॉम्पिटिशन में, पिक्चर्स में ऐड कर दूंगा और वीडियोज भी। तो अभी उमेर भाई से थोड़ा टिप्स वगैरह लेते हैं, हमारे उस्ताद भी यही है और ट्रेनर भी, तो अभी कुछ बोलेंगे। तो उमेर भाई कैसा, मतलब क्या बोलोगे आप बिगनर्स के लिए, और क्या मतलब कैसा लग रहा है आपको? लग तो बहुत अच्छा रहा है, जैसा कि अभी हाल में कहा कि रिसेंटली जो चिनाब वैली का कंपटीशन हुआ था, तो अल्लाह के फजल करम से मैं उसमें विनर रहा, जो कि मेरे लिए बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो उसके अलावा मैं बिगनर्स वगैरह, तो मैं इससे पहले मतलब कोई 2 साल से ट्रेनर, जैसे ट्रेनर हूँ यहाँ, मतलब पहले किसी और जिम में था, अभी यहाँ पे हूँ मैं। तो बिगिनर्स के लिए मेरे ये सजेशन है कि अपनी डाइट का खास ख्याल रखें और ईगो लिफ्टिंग ना करें। हाँ। और गाइडेंस के बगैर कभी भी कोई, जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पे किश्तवाड़ में बहुत अच्छा ये रिवाज चल रहा है कि लोग लिफ्टिंग वगैरह की तरफ, हाँ, ज़्यादा ये ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो ईगो हाँ। लिफ्टिंग वगैरह ना करें, वो जो इफेक्टिव हो सकता है, उससे इंजरी वगैरह होने का रिस्क है। तो अगर अभी नहीं तो लॉन्ग टर्म में अल्लाह ना करे हो सकता है इंजरी हो, उस चीज़ का ख्याल रखें और एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो
किसी ऐसे बंदे से आप पूछें जो मतलब आप नॉलेज रखता हो इस बारे में। हाँ, तो अभी आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे, उसके बाद बॉडी वगैरह भी दिखाना है, सब कुछ देखेंगे, तो अभी हमें भी ये ट्रेन करेंगे। तो बाकी अजान यहाँ पर है और यहाँ पर एक और ब्लॉगर है अरसलान व्लॉग्स, तो अब स्टार्ट करते हैं, हम साथ में ही गेम मारेंगे आज। अभी उमेर भाई जो है मेरे को वर्कआउट कराएंगे, मुफिया जो है कैमरा हैंडल करेगा, तो अभी सुन लेना जो जो ये बोलेंगे किस तरह क्या रखना है, तो कैप्चर कर लेना। पुलअप से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो अब उमेर भाई दिखाएंगे, मेरे से तो नहीं होगा, अब स्टार्टिंग ही है, तो आप उमेर भाई करेंगे। ये ऊपर बोल्ट जितना हो सके धीरे, नीचे आओ जितना हो सके धीरे, चेस्ट बाहर थोड़ा सा आराम करना, चेस्ट बाहर धीरे, काफी बढ़ता है, अच्छा हो सके, नाइस। अभी म्यूजिक भी लगा है तो थोड़ा सिनेमैटिक सी लेते हैं, अभी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, बाकी वर्कआउट दोनों तरफ चल रहा है फुल म्यूजिक के साथ। अभी हमारे कोच साहब, हमारे उमेर भाई जो है ट्रेन कर रहे हैं मुफेज को, मेरे को भी कर रहे थे, तो अब मुफेज की बारी है। एक सिंपल ये कर सकते हो, ये ठीक है, ये और ये, इसमें ये वाली वेरिएशन अच्छी है, ये और ये सबसे तगड़ी है। अच्छा ये, सो गाइस मेरी जो हालत खराब हो गई, अभी उमेर भाई भी एक बॉडी को पंप दे रहे हैं, अभी जो है शर्ट वगैरह खोलेंगे, उसके बाद जो है पूरी बॉडी दिखाएंगे फुल पावर, तो अभी हम भी शोल्डर मार रहे हैं, ये रहा वेट, तो अभी हम साथ में सेट मार रहे हैं, लास्ट सेट है, टाइम भी जो है बहुत लेट हो गया, तो अभी ये लास्ट सेट मारता हूँ, उसके बाद आपको बॉडी दिखाते हैं फुल पावर। इनका वर्कआउट लगा हुआ है, शाबाश, सारे जो है फुल पावर कर रहे हैं। मेरी जो है हालत ख़राब हो गई अदान की, तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी उमेर भाई जो है पंप कर रहे हैं बॉडी को, ये देखो अभी जो ये शर्ट खोलेंगे, तो उसके बाद ही बाकी अपनी भी कुछ हालत खराब हो गई है। फाइनली गाइस मेरा वर्कआउट डन हो चुका है, तो अब ये कर रहे हैं अभी, तो उमेर भाई का शायद से ये लास्ट वर्कआउट है, इसके बाद जो है अब अपनी बॉडी दिखाएंगे। अभी जो है हमारे उमेर भाई शर्ट खोलेंगे, सारों की डिमांड है, खोलनी है, खोलनी पड़ेगी, तो सबकी डिमांड है, यूट्यूब फैमिली हमारी देखेगी, तो अभी देखते हैं। शाबाश, अभी जो है पंप चढ़ा रहे हैं। ओ भाई ये चेक करो, करंट बीस्ट ऑफ इस वर्ल्ड, ये चेक करो मिस्टर चिन्हा वैली, रिसेंटली टाइटल लिया हुआ है भाई ने, बाइक का ले ले भाई, मैं सब कर लूंगा, ये चेक करो यार, ये चेक करो, ढोले तो देखो यार। अरसलान क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे यार, हमारी भी बनती। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। उमेर भाई चलता हूँ मैं, निकलता हूँ, ठीक है, वो अजान भाई चलता हूँ, तो अभी ठीक है, वो चल रहा वो बहुत बना ली बॉडी, तो निकलते हैं अब यहाँ से, मिलते हैं सीधा बाइक पे। ओ भाई पूरी पावर जो है खत्म करके निकले हुए हैं। सो फाइनली गाइज
अभी जो हम जिम से वापिस निकल रहे हैं, फेस को ड्रॉप करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मैं घर की तरफ निकलूंगा। अभी मेरे को खुद नहीं पता वीडियो कैसी बनी, जिम में क्या हुआ सब कुछ, अब घर जाके पता लगेगा एडिटिंग पे कितनी लंबी बनी है क्या बना है। तो अब मैं डायरेक्ट घर की तरफ निकल रहा हूँ फुल पावर रैश राइड के साथ। आज बाइक की हैंडलिंग एकदम ओपी है, बट हवा फिर से उतर गया है अगले टायर में, मेरे ख्याल से फिर से पंचर हुआ है। मेरे साथ ही ये सब सीन होने, क्या कर सकते हैं अब। तो ट्रैफिक लग चुका है अभी, ठीक ठाक पुराने ब्लॉगर मिल गए, पहचाना होगा आपने। तो जल्दी फिर से वापस आएंगे अपनी ड्यूक लेके, अभी भाई की बाइक जो है आने वाली है, आज स्कूटी से ही काम चला रहे हैं। अभी मेरा जो बाइक के रिलेटेड प्लान बनना था मॉडिफिकेशंस का, तो मैं सोच रहा था इसमें साइलेंसर लगाया जाए। तो इस वीडियो पे कमेंट में ज़रूर बताना इस बाइक को जो है हमें साइलेंसर लगाना चाहिए या ऐसे ही चलाना चाहिए। ऐसे तो अच्छा है बट थोड़ा वॉइस होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ज़रूर ही बताना कमेंट में। आज का व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जो नई वीडियो आएगी उसमें जो है बहुत मज़ा आएगा, तो बने रहना। तो बाय बाय, टेक केयर।